हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड DB के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। और बात की जाए एज की, तो एज इसमें 18 से 22 ईयर्स तक चलेगा, ठीक है। मुझे तो लगता है कि नेवी से तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे तो 18.5 तक ही रखा गया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 18 से 22 तक है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का यहाँ पे चांस मिल सकता है, क्योंकि 10th लेवल पर है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देंगे, जितने भी हैं क्वालिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल, जितने भी होते हैं इनमें ना, पूरा आपको आज मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो को। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि जो बच्चे अगर सोचते हैं कि इस बार हम इसमें सिलेक्शन लें, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो देखिए, ये हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और यहाँ पर देखिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, 10th इंट्री 1 2020 बैच। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फ्रॉम 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो टाइम है, 30 अक्टूबर आने में भी टाइम है, लेकिन 30 अक्टूबर से लेकर और 8 नवंबर तक चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए, ये 10th लेवल पर है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि 12th लेवल पर है फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये है 10th इंट्री पर, सिर्फ इसमें जो भी होगा 10th का लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो भी दिया गया है सब चीज़ पढ़ लीजिएगा इसको। और इसमें आपको दो पोस्ट मिलेंगे, डोमेस्टिक ब्रांच में जो DB होता है ना, नाविक DB जिसको बोलते हैं DB डोमेस्टिक ब्रांच, तो इसमें कुक और स्टीवर्ड के लिए। आपको पता है कि नेवी MR में जो होता है कुक, स्टीवर्ड, हाइजेनिस्ट का जो पोस्ट होता है, इसमें भी दो पोस्ट मिलेंगे कुक और स्टीवर्ड्स के लिए, ठीक है, आप देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की 10th पास विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ, यानी कि देखिए, साफ साफ आपको समझाने का मतलब यही है कि आपका 10th में 50% मार्क्स होना जरूरी है। और 5% जो छूट दिया गया है किसके, SC और ST कैंडिडेट के लिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी है आप देख लीजिए, स्पॉट कोटा सब दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जॉब की अगर बात की जाए, इसमें दो मिलेगी कुक और स्टीवर्ड के लिए, आप देख लीजिएगा इसमें आपको कौन से वर्क मिलेंगे। कुक में तो आपको पता है कि कुक में क्या काम करने, और स्टीवर्ड में भी आपको पता है, जिन लोगों ने भी MR का फॉर्म भरा है उनको तो सब चीज़ मालूम है कि कुक का मतलब क्या होता है, स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, एज की बात की जाए, एज बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर मिलता है मुझे। देखिए, 18 से 22 है, क्लियर है, एज कह रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल 2020। उसके बाद देखिए, बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 1998 से लेकर 31 मार्च 2002 के बीच, यानी बोथ, जिनका भी होगा अगर डेट तो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपका इसमें मिल रहा है ना। तो देखिए, अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पे की बात की जाए, यहाँ पे दिया गया है DB के लिए 21,700। इसमें पेमेंट तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रहता है, इंडियन नेवी से अच्छा मुझे लगता है, इसमें पेमेंट अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत ही अच्छा, आप देख लीजिए। और यहाँ पे और क्या आपको बताया जाए, प्रमोशन के बाद देख लीजिए क्या है, यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा, यानी कि 50 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है सब चीज़, पढ़ लीजिएगा इसको, कोई खास नहीं है। आपको तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि आप एलिजिबल हैं, एलिजिबल है तो आप फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड भाई है इसका, देखिए सबका नहीं आता, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये तो 80% एबोवी वाले को आता है ज़्यादातर, अगर स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं इसका, स्टेट वाइज भी, मतलब कि MR में पहले कैसे होता था कि हायर परसेंटेज वालों का ही एडमिट कार्ड आता था, तो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, लेकिन इसका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ध्यान रखना। लेकिन इसमें सब लोग का एडमिट कार्ड नहीं आगा, मुझे तो लगता है कि करीब करीब अगर हम बात करें तो 70 से ऊपर ही रहना चाहिए, मतलब 70, 75, 80 ऐड रहना, ठीक है। लेकिन फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर देना सभी लोग। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 30 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा। और यहाँ पे सब चीज़ आपके सामने है, वेबसाइट दिया गया है www.joinindiancoastguard.gov.in पर आप जाके लॉगिन करके आप वहाँ पे सब चीज़ अपना कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, और आगे क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन ना मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। आगे देखिए,
हाँ यहाँ पे मतलब कि ऑनलाइन करने का बता रहा है कि आपको कैसे करना है स्टेप। नाविक आपको चूज करना है, अप्लाइड फॉर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच। जैसे यहाँ पे ओपन कीजिएगा www.joinindiancoastguard.gov.in पर क्लिक करके, जैसे ही खोलेगा तो इस टाइप के इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपको आई एग्री कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद सब चीज़ परमिशन मांगेंगे आपको, उसको करके आप आगे बढ़ के अपना जो भी होगा सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना, ठीक है। आगे देखिए, आगे वही सब चीज़ है और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए 6 नंबर में, अगर आप नॉर्थ जोन यहाँ पे देखिए नोएडा से हैं तो आपका यहाँ पे सेंटर जाएगा, आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन जो सेंटर है। अगर यहाँ पे स्टेट है, मान लीजिए कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। कोलकाता में किनका होगा? ये वाले इन बच्चे का जो भी ये कैंडिडेट होंगे, बिहार झारखंड है जितने भी हैं, त्रिपुरा वगैरह वगैरह जितने भी हैं, तो इन जितने भी अगर मतलब कि है तो ये इनका एग्ज़ाम होगा कोलकाता में। चेन्नई में किनका होगा? तो इन लोग का होगा चेन्नई में। मुंबई में किनका होगा? तो इनका होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सब चीज़ दिया गया है। गुजरात वालों को तो भैया एक है सिर्फ, तो इनका होगा गांधीनगर, ठीक है। तो ये सब चीज़ दिया गया है, आप देख लेना। डोमिसाइल वहीं के लगाना जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ आपका पर्सनली सब चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर क्या इसका मतलब इसका कट ऑफ कम जाता है तो वहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, जब आपका वेरिफिकेशन होगा सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी काम करना ओरिजिनल काम करना। चलिए आगे देखिए, सब चीज़ वही है और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और यहाँ पे बात करें फिजिकल की, थोड़ा सा देख लीजिए फिजिकल। लेकिन फिजिकल से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए सब चीज़ दिया गया, वर्बल नर्वन जो भी होता है आपका सब चीज़, मतलब कि आपके एग्ज़ाम क्या होगा कैसे होगा सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 7 मिनट में, बहुत ही अच्छा है, सब लोग कर देंगे। 20 है उठक बैठक यानी कि आपके स्क्वाट्स, और 10 पुशअप लगाना होगा, और यही है फिजिकल आप लोग का। ज़्यादा हार्ड नहीं है तो सब लोग निकाल लेंगे, मुझे पता है। आगे देखिए आगे क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देखता हूँ, सारे चीज़ आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि इसमें हाइट जो मांगा गया है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, वेट आपका प्लस माइनस 10% एक्सपेक्टेबल, ठीक है। यानी कि देखिए आपका तो वहाँ पे जो होता है ना हाइट के अनुसार ही आपका लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हेयरिंग जो चेक होगा नॉर्मल होगा, हेयरिंग आपका कान में चेक होता है, यानी कि आपको 6 मीटर दूर भेज देंगे लोग, आप मतलब कि ये ऑफिसर है और यहाँ पर 6 मीटर रनिंग आपको मतलब दूर भेज देंगे। मान लीजिए कि आप ये हैं और ये ऑफिसर है, तो 6 मीटर का दूरी है, तो बोलेंगे कुछ भी आपको सुन के बताना होगा। अगर आप बताते हैं तो समझे कि आपके हेयरिंग सही अच्छी है, मतलब अगर आपको सुनाई नहीं देते हैं तो फिर समझे कि वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगर बात की जाए आँख की 6x36 6x36, ठीक है, देख लीजिए। और इम्पोर्टेंट इसमें और क्या चीज़ है? और तो कोई है नहीं, ट्रेनिंग से था रिलेटेड और कुछ नहीं है। आप देख लीजिएगा जो भी होगा इम्पोर्टेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट हैं, मतलब कि मान लीजिए कि पढ़ने वाले हैं लोग, तो इसको अप्लाई ज़रूर करना क्योंकि बहुत ही बेस्ट है, और बार बार ये चांस नहीं आता। और आता तो है लेकिन जिसका एज कम है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए बार बार चांस नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको अप्लाई करना क्योंकि इसमें फ़ी नहीं लगेगा। जो भी साइबर कैफ वाले लेगा 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये, मुझे तो लगता है 100 रुपये तो नहीं लेगा। अगर बच्चा जो अपने से कर लेता है तो फ्री में हो जाएगा, घर पे ही हो जाएगा। अगर जो बच्चा साइबर कैफ में जाकर करवाते हैं तो उनको तो 50 या 60 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ अपना जो भी हो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ अपलोड कर देना, फ़ोटो वोटो, और सही से अपना डिटेल्स भरना। ये नहीं कि आपने माता का नाम गलती कर दिया, पिता का नाम गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूँ कि देखिए इंडियन ने भी MR का जो प्रिपरेशन चलेगा हम लोग का, बहुत ही अब चलेगा, बहुत मतलब कि 2-4 दिन और रुक जाओ, 2-4 दिन के बाद आप लोग का प्रिपरेशन मैं स्टार्ट कर दूंगा। और इसका भी मैं सोच रहा हूँ कंबाइंड ही चालू करूँ तो, ठीक है, क्योंकि इसका भी वही सिलेबस रहता है अगर हम देखा जाए, अगर पूरा देखा जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि रीजनिंग का जो रहता है रीजनिंग, तो इसमें रीजनिंग ऐड है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही टॉप आता है, ध्यान रखिएगा। और GK की बात कीजिए, GK कोई हार्ड नहीं आता, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन ही रहता है। और बस यही आप लोगों को बताना था, मज़े से पढ़ो और ध्यान से पढ़ो, और कहीं आपको डाउट होता है कहीं पे भी तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखिए आप फिर से जान लीजिए कि पहली चीज़ तो आप चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो,
पहला चीज़, पहला स्टेप, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर देना, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप छोड़ देना। अगर जो बच्चा मान लीजिए कि एलिजिबल है, फॉर्म भर दिया, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद उनका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड आएगा तो उनको सोच लेना है कि हमको प्रिपरेशन करना है भाई, इस बार सिलेक्शन लेना है, नहीं तो आजकल इतना ना कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं ना, दिन पे दिन बढ़ेगा, आप ध्यान रखना। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना, और कुछ तो आपको मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अब क्या बताऊँगा आपको, बस यही मैं बोलूँगा लास्ट की पढ़ाई करो, अच्छे से करो, क्योंकि सिलेक्शन ही सब चीज़ है। अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो आप कहीं पे भी जाइएगा ना, आप कहीं पे भी, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि मान सम्मान सब चीज़ मिलता है। अगर आप थोड़ा सा भी आ जाते हैं लाइक, मतलब कि थोड़ा सा भी आ जाते हैं ना अपने, मतलब कि लाइफ को थोड़ा सा करियर के ऊपर ध्यान दे के बना लेते हैं अपने आप में, तो बहुत बहादुरी होती है। तो इसलिए आप अप्लाई कर देना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी आपको डाउट होगा एज से या फिर कुछ भी से, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और इसके लिए भी 2-4 दिन में प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसका अगर मान लीजिए कि नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और ट्विटर का भी है, आप जाके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। जो भी होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम का भी ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और स्टडी करो, आराम से करो, फिजिकल जो भी होगा आप बताना, जैसे भी होगा एमआर का रिजल्ट आने के बाद सब चीज़ बताना, ठीक है? तो बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।